नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और कस्टमर ने हमें ये फ़ोटो दिया है और फोटो आप देखेंगे तो एकदम ब्लर है। यहाँ की जो डिटेल है आपको कुछ नहीं दिखेगी और बाकी जो है सब फीका फीका है, बालों में वो ब्लू कलर है। हालांकि वो तो हम फोटोशॉप में क्लियर करेंगे, पर मेन जो है इसकी डिटेल मिसिंग है, ये ब्लर है, ये एक्सपोज हुआ फोटो दिख रहा है। तो अभी ये करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको जब कस्टमर ने मुझे दिया मोबाइल में, व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो मोबाइल में ही स्नैपसीड का एप्लीकेशन का यूज़ करके मैंने फ़ोटो को थोड़ा सीधा किया और उसको रेनिमी ऐप में थोड़ा सा इन्हांस करके लिया। तो स्नैपसीड में मैंने क्या किया, थोड़ा इसका एंगल था तो वो थोड़ा ठीक ठाक करके उसका थोड़ा अपना शार्पनेस दिया और सेव किया, और उस फोटो को बाद में मैंने रेनिमी पे ये कर दिया। तो अब थोड़ा सीधा दिखेगा फोटो और आप देखेंगे रेनिमी ऐप से थोड़ी डिटेल इनहांस हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल है कुछ नहीं दिख रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनिमी ऐप के थ्रू यहाँ की डिटेल दिख रही है। हालांकि इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो हम इजी तरीके से कर सकते हैं। पर बोलने का उद्देश्य क्या है, हमारे पास अगर इसी फोटो को मैं करने बैठूंगा तो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ और हो जाएगा, पर इतना मेहनत करके साबित क्या करना है हमें। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका पूरा का पूरा का पूरा यूज़ करके हमें वर्क करना चाहिए। कस्टमर कभी पूछता नहीं है कि क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कौन से सॉफ्टवेयर में किया, कितना टाइम लगेगा। हमारा टाइम बचे, हमारा वर्क अच्छा हो, यही मेन मकसद होना चाहिए। तो मैंने रेनिमी ऐप में इसको थोड़ा इनहांस करके लिया, अभी आगे का वर्क हम करते हैं। ओके, अभी देख सकते हैं आप, फिर भी अभी कटिंग करने के लिए मैंने ये पर्सपेक्टिव टूल का लेके चारों कॉर्नर सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया, तो एकदम परफेक्ट सीधा हो गया। तो मैंने A4 साइज का पेपर्स लेके उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके ऊपर रखा और इसी पे हम आगे काम करेंगे। तो अपने हिसाब से जहाँ हेड की पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पे एडजस्ट कर लिया और आगे का वर्क हम इस पे करेंगे। अभी पहले तो हमें फोटो को कट करना है, तो उसके लिए पेन टूल का इस्तेमाल किया है और ये कटिंग मैंने चालू कर दी है। हालांकि इसको थोड़ा सा मैं स्पीड देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपको समझे भी अच्छे से। ओके, कई कई लोग अलग टूल का इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए, पर पेन टूल सबसे बेस्ट है, हमें कंट्रोल में सभी चीज़ें होती हैं, उसको अच्छे से कट कर सकते हैं। और उसको 2% फेदर दिया है, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, पर अभी ये टोटल ब्लैक है, इसको इसके लिए मैंने थोड़ा उसको ग्रे कर दिया है ताकि जो भी डिटेल है वो साफ साफ दिखे, व्हाइट पेपर पे उतनी अच्छे नहीं दिखते। तो अभी इसका कलर करेक्शन करना है, कंट्रोल एल करके लेवल में जाके रेड चैनल, ग्रे चैनल और ब्लू चैनल में अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें अभी क्या है, कंट्रास्ट भी देना है, जो अलग से टोन आया है उसको भी निकालना है। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए, समझ लीजिए कर क्या रहा हूँ और अपने हिसाब से आप उसमें एडजस्ट करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना कौन सा चैनल पे बढ़ाना चाहिए। जो खाली मिसिंग ग्राफ होता है वो उसको फिल करने की कोशिश करनी है, तो वो ठीक ठाक हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो वो प्रॉपर स्किन का टोन आ रहा है और साड़ी भी जो फीकी फीकी थी वो भी आप देख रहे हैं। ये कंट्रोल लेवल से हम बहुत अच्छे से अपना कलर करेक्शन और वाइट बैलेंस कर सकते हैं। इसका बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कि कैसा किया है इसमें, आप आराम से देख लीजिए कि कैसे कैसे वो लेवल काम करता है। अभी जो दाग धब्बे हैं उसका पैच टूल से हम रिमूव करेंगे, खाली उस के ऊपर जहाँ पे ड्रॉ करेंगे वहाँ का एरिया ऑटोमेटिकली वो फोटोशॉप रिमूव कर देता है, अच्छे से इनहांस कर देता है उधर की डिटेल। अभी मैंने एक न्यू लेयर लिया है और उसका ब्लेंडिंग मोड कलर कर दिया है और बालों पे मैंने व्हाइट कलर डाला है। व्हाइट कलर से क्या होता है, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और सेम उसी तरह से ब्लेंडिंग मोड तो कलर है, तो मैंने वो पिंक कलर थोड़ा अपना स्किन कलर टोन लेके
वहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, ताकि वो कहीं कहीं पे अलग अलग कलर हो जाते हैं, पुराना फोटो है तो उसको एक प्लेन कलर स्किन का टोन देना जरूरी है। तो इसलिए मैंने पहले फेस को पूरा वो स्किन टोन दे दिया है और व्हाइट कलर लेके आंखों में वो कर दिया है, ताकि आंखों का पार्ट वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, व्हाइट दिखे। और अपने हिसाब से जो बिंदी का वो कलर है उसमें ब्लेंडिंग मोड तो कलर ही है। अभी सेम अभी क्या है, स्किन का टोन साड़ी के ऊपर आ जाता है, तो मैं पर्टिकुलर उतना स्किन का कट कर ले रहा हूँ, ताकि हम जो भी कलर साड़ी को सेपरेट कर देते हैं और स्किन टोन को अलग लेयर पे कर देते हैं। कहाँ रह गया तो उतना फील कर देता हूँ। सेम साड़ी को सिलेक्ट करके अभी उसके ऊपर मैं रेड कलर मार दूंगा, तो साड़ी के ऊपर अलग अलग कलर आ गए होते वो निकल जाएंगे। सेम वहाँ पे थोड़ा उसका ये बॉर्डर होता है साड़ी का, उसको येलो कलर दे दिया है, हालांकि दिख रहा था। फेस थोड़ा सा डल लग रहा था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है, ताकि उभर के दिखे, हाइलाइटेड फेस हो। जो कोने होते वहाँ पे कई कई कटिंग में छूट गया है या रह गया है, सफ़ेद आ गए, तो वहाँ पे सिलेक्शन करके वहाँ पे ब्लैक कलर ऐड कर दे रहा हूँ। अभी दोनों का डुप्लीकेट लेके उसको एक लेयर बना दिया है, और जो कटिंग के थे उसका एक ग्रुप बना के और अपना एक फोल्डर बना के रख दिया है, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, गड़बड़ी हो जाती है तो पुराने इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करना है, जो आईब्रो है वो तो कई कई छूट गए, कई रह गए हैं, तो ब्लैक कलर से डायरेक्ट वहाँ पे कलर फिल कर दिया, बाकी उसको स्मजिंग करके वो आईब्रो के हेयर वगैरह दिखाने का पार्ट हम बाद में करेंगे। मेन है कि जो डिटेल है उसको ये करना है। वो सेम उसी तरह से लिप को भी अभी कलर करना है, तो कलर बाहर अंदर बाहर हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, उसका सिलेक्शन कर लिया है रिप, और उसको 2% फेदर कंट्रोल जे करके न्यू लेयर पे, और उसका कंट्रोल बी दबा के थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा पिंक करके वो लिप का कलर उसमें ऐड कर दिया है, ना कि उसमें ब्लेंडिंग मोड का कलर फिल कर दिया है। कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, एक ही पार्ट है तो ठीक ठाक। अभी कलर दिख रहे हैं कि स्किन का कलर है अच्छा से, और साड़ी का कलर ठीक दिख रहा है, अभी हेयर भी कोई कलर नहीं है। जहाँ जहाँ कोई डिटेल रह गई है, मिसिंग है, तो डायरेक्ट ब्रश से ड्रॉ ही कर लेते हैं, उसको स्मज करके खींचने से अच्छा है कि उसको ड्रॉ ही करें। और बिंदी का कलर टोटल ब्लैक था, तो थोड़ा सा उसको कलर कर दे रहा हूँ, ताकि वो वेरिएशन भी दिखे अभी, नहीं तो फ्लैट दिखेगा। अभी क्या करना है, जो डिटेलिंग का पार्ट है वो करना है हमें, तो कोई भी डार्क कलर पिक करना है, नहीं है तो उधर का पिक करके थोड़ा सा डार्क कर दो उसी को, और हल्का हल्का आप ओपेसिटी देख सकते हैं, एकदम कम रखा है, और जो आउटलाइन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि वो शार्पनेस दिखे। और सेम उसी तरीके से हाईलाइट भी ऐड कर देनी है व्हाइट कलर से। सब उसका ये कम कर रखा है मैंने ओपेसिटी, और हल्का हल्का मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि अभी देख सकते कि फेस थोड़ा ग्लो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी ब्लेंडिंग मोड उसका कलर करके जो पिंक कलर है वो हमें ऐड करना है, उसका ब्लेंडिंग मोड कलर करना है, और गालों पे थोड़ा पिंक करेंगे तो वो अभी थोड़ा फेस पे वेरिएशन आने लगा है, ताकि नहीं तो क्या होता है, टोटल फेस फ्लैट दिखता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा करना ही चाहिए, पर कर सकते हैं वेरिएशन के लिए। एक साइड में थोड़ा ऐसा इस तरीके से पर्पल कलर, और एक साइड में ग्रीन कलर,
बालों में ब्लू कलर कर सकते हैं थोड़ा वेरिएशन दिखाने के लिए। हालांकि कोई कोई आर्टिस्ट नहीं करते, डिसेंट फोटो को दिखाना पसंद करते हैं। मेरा वर्क थोड़ा कलरफुल रहता है तो मैं अपने स्टाइल में ही करने की कोशिश करता हूँ। आप जब बनाएंगे तो अपने हिसाब से ट्राई कीजिए कि आपको किस तरह का वर्क पसंद है। ज़्यादा कलरफुल चाहिए तो ज़्यादा कलर अप्लाई करके, ज़्यादा सेचुरेशन करके अपने वर्क को कर सकते हैं। सभी को एक लेयर में मर्ज कर लिया है। लिप को मैंने मर्ज कर दिया था तो वो अलग लेयर पे लेने के लिए मैं फिर से उसको कटिंग करके ले लूँगा और उसको 2% फेदर देके दो कॉपी निकालूंगा, एक उसके साथ मर्ज करूँगा, एक नीचे रख लूँगा। फिर से उसका कलर करेक्शन, लिप्स फीके फीके लग रहे हैं तो उसका थोड़ा सा डार्क कर दिया और सेचुरेशन बढ़ा दिया है। और वेरी अपना ह्यू भी थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं तो साड़ी भी रेड है वो थोड़ा उतना ये ठीक नहीं लगेगा इसलिए। हालांकि इतना तो हमारा हो गया है, अभी फोटो थोड़ा अपना ठीक ठाक लगने लगा है कि ओरिजिनल से इसको अभी स्मज करना है। कहीं कहीं जो डिटेल रह गई है, अभी देख सकते हैं कि साड़ी की ब्लाउज की है वो तो एक साइड में वो ब्लर हो गए, तो वही का कलर पिक करके थोड़ा मैं उसको पहले से स्मजिंग से इनास कर खींचने की बजाय जितना ड्रॉ करके कर सकते हैं उतना हमें अच्छा होगा वर्क हमारा। इसको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है कलर, डीप का कम हो गया, थोड़ा उसको एडजस्ट कर लिया। फिल्टर में जाके थोड़ा सा शार्प फिल्टर पहले थोड़ा मार देता हूँ, ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा फिर वो नॉइज दिखने लगेगा, तो थोड़ा सा मैंने शार्प का फिल्टर यूज़ किया है साड़ी पे और इस पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अभी क्या छोटा लग रहा था। जो भी आउटलाइन है थोड़ा और शार्प कर सकते हैं ताकि वो डेप्थ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कि ओरिजिनल फेस पे आप इस पार्ट पे देखोगे नाक के पार्ट पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एक स्मजिंग टूल लेके उसको हम स्मज करेंगे। सॉफ्ट ब्रश लिया है और उसका स्पेसिंग जो है सेटिंग से निकाल दिया है, तभी हम उतना स्मूथ वर्क हो पाएगा। तो मैंने स्ट्रेंथ 30% करके अभी इसको, आप बोलेंगे इसको स्पीड लगाया है, स्पीड इसलिए लगाया है कि अभी ये स्मजिंग का पार्ट होता है ना, बहुत 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 टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सिर्फ आप देखेंगे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप देख के समझ सकते हैं कि क्या कैसे स्मज कर रहा है, कितना ब्रश बड़ा रखा है, कहाँ पे छोटा रखा है और क्या स्ट्रेंथ रखी है, आप देख के कर सकते हैं। अगर इसको फुल लेंथ में रख दिया तो क्या होगा, एकदम बोर हो जाएंगे। ये बहुत टाइम का काम है, अभी आपको इतना स्पीड में दिख रहा है पर इसको बहुत टाइम लगा है, तो मैंने थोड़ा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो जाए और समझ में भी आ जाए इसलिए मैं वॉइस तो दिया है और आपको थोड़ा स्पीड लगाए इसको वीडियो को कि आप समझ सकें और टाइम भी खराब ना हो जाए। ये बहुत पेशेंस का काम है। मैंने आप देख रहे कि एक बात आपने ध्यान दी है कि मैं डिटेल को ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ, उसको ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उसको स्मूथ कर दूँ स्किन को, और ज्यादा पेंटिंग टाइप ना दिखा के उसको नेचुरल ही दिखाने की हम ज्यादा कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं फोटो में करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जो स्किन के ऊपर जो टेक्चर है, नॉइज है, पिंपल्स है, रैशेस है, डस्ट है, वो सबको निकाल के मैं स्मूथ कर रहा हूँ। और जो जितना बड़ा बड़ा एरिया का दिख रहा है बस वही एरिया को मैंने
स्मज कर रहा हो। आप देखेंगे स्किन कितना स्मूथ स्मूथ होती जा रही है, आप देख सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे जूम करके काम करना है डिटेलिंग के पार्ट पे, और जहाँ पे बड़ा पार्ट है माथे का गाल का तो वहाँ पे जूम आउट करके काम करना है। तो हमारा वर्क क्या होगा, जूम आउट करने से सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगा, जूम इन करके जूम करके काम करेंगे तो डिटेलिंग पे अच्छा काम हो सकता है, तो फोटो एकदम शार्प ग्लॉसी दिखेगा, स्मूथ दिखेगा। आप देख सकते कि ओरिजिनल फोटो तो आपको याद है कि कैसे दिखाया था, कैसा था। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको स्मजिंग के थ्रू उसको उसकी जो स्किन है एकदम सॉफ्ट हो रही है। जो डिटेलिंग का पार्ट है कहीं पे लगता है कि ऐसा हो सकता है और ओरिजिनल फोटो में मिसिंग है, तो अपने हिसाब से उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। पहले तो उसका थोड़ा स्टडी करेंगे कि वो एक्चुअली आँख कैसे होते हैं, आँखों में कैसे पार्ट होते हैं, कि कहाँ पे लाइट होती है, कहाँ पे हाईलाइट होती है। अगर वो समझ आता है तो हमें अगर मिसिंग भी डिटेल है तो उसको ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होती है। जीडी आर्ट, फाइन आर्ट, एटीडी वाले हैं जिनको स्केचिंग परफेक्ट है, उनको एकदम परफेक्ट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। डिटेलिंग पे और शार्पनेस पे ध्यान देना है। कई लोग क्या करते हैं, कई दोस्त हैं वो जूम आउट करके पूरे फोटो को 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क तो है, पर जितना हम इसके ऊपर टाइम देंगे उतना हमारा वर्क अच्छा होगा। ये है। और स्मज पेंटिंग के नाम पे खाली उसको ये करते सॉफ्ट करके ये करते हैं, हालांकि हम डिजिटल पेंटिंग कर नहीं कर रहे, हम फोटो को आर्ट में तब्दील मतलब बदल रहे हैं। तो जरूर नहीं कि ये प्योर पेंटिंग की तरह दिखे। मेरा जो काम होता है मैं क्या करता हूँ, हालांकि सॉफ्ट ही करता हूँ पर डिटेल को ब्लर करने की कोशिश नहीं करता, ऊपर से क्या करता हूँ थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करने के, ज़्यादा कलरफुल रखेंगे तो वो भी थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है। और महाराष्ट्र में तो ऐसा ही वर्क ज़्यादा चलता है, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको ज़्यादा पैच वर्क पसंद है। तो मैं खाली फोटो को ग्लॉसी दिखाना, कलरफुल करना, स्मूथ करना, यही करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे हाईलाइट डालनी है वहाँ पे एरिया सिलेक्ट करके वहाँ पे थोड़ा लाइट व्हाइट कलर यूज़ करेंगे तो भी वो एक हाईलाइट की तरह काम करेगा और अपना फोटो जो है वो ग्लो करने लगेगा। ये अभी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं जो डाली मैंने चीक के वहाँ पे हनुवटी पे, तो वो हमें पता होनी चाहिए कि लाइट ऐसे पड़ती है तो वहाँ पे भी ग्लो करता है, ना कि नीचे भी करता है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पता हो जाएगी तो हम और अच्छे वर्क कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस का बहुत 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 बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना वर्क और अच्छा और इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए आप भी, और जितना वर्क अच्छा प्रैक्टिस होगी डे बाई डे अपना वर्क इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा भी और 1-2 साल के बाद आप देखेंगे तो उसमें और थोड़ी ग्रोथ आपको दिखेगी। सभी चीज़ जो है ये इंस्टेंट होती नहीं है कि अचानक कहीं पे से ATM के पासवर्ड जो मिल गया वो ऐसा कुछ मिलेगा और हमारा वर्क अच्छा होगा, ऐसा है नहीं। क्योंकि हर एक फोटो एक नया चैलेंज होता है अपने लिए, हर किसी की वैल्यू ब्राइटनेस की, कंट्रास्ट की, सेचुरेशन की अलग अलग होती है, तो अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उस पे ये करना होता है कि हमें कितना वहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है। तो अगर एक बार हमारा हाथ बैठ गया और समझ आ गया तो वो आसानी हो जाती है, और ये सब चीज़ें होती है प्रैक्टिस से। अभी आप स्मजिंग में देख सकते हैं कि मैंने ब्रश जो है दूसरा यूज़ किया है, सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया है जिसका स्पेसिंग वगैरह ऑन है। आप एक ही ब्रश से करना है ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कि अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मुझे अभी यही ब्रश दे दो, कौन सा लिया क्यों ले, कोई भी मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मजिंग के अकॉर्डिंग, आपका जैसा इंटरेस्ट है, जैसा चाहिए उसके हिसाब से। तो आप देख लो कि कौन सा ब्रश, मैं जो ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट ब्रश है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कई ब्रशेस जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दिए थे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हर एक ब्रश की थोड़ी वैल्यू चेंज करनी होती है।
तो वो करने से अच्छा है कि वो एक टाइम ही सेव करके मैंने आपको दिया था, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो आप चेक करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। ब्रशेस के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो ब्रश मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं फोटो को जूम करके काम कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा डिटेल जो है आप देख सकते हैं कि कैसे डिटेल को मैं इसको ये कर रहा हूँ, और इना अपना ड्रॉ करने जैसा और शार्प दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कैटरिंग ऑन करेंगे तो एक बार में ही 10-15 डॉट हो जाते हैं, तो वो साड़ी का वो थोड़ा डिटेल दिखाने के लिए ये कर दिया मैंने। ओके फोटो में जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रहेगा ना उतना वो अच्छा दिखता है, मतलब डार्क पार्ट को डार्क और व्हाइट पार्ट को और व्हाइट करेंगे तो बहुत अच्छा वो कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है फोटो को, और कलर वो सही प्रॉपर हो ना, ब्लैक के ऊपर कोई दूसरा कलर नहीं आना चाहिए, जहाँ कलर है वहाँ का भी देना है। वी थ्री डॉट वाले ब्रश से मैं हेयर को स्मज कर रहा हूँ, हालांकि वहाँ पे कुछ है नहीं पर जो उसके एंडिंग पार्ट थे उसको मैंने थोड़ा ये कर दिया है। लिप थोड़ा सा ऊपर गए तो लिक्विफाई से मैं एडजस्ट कर लिया है। लिप की मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आउटलाइन दे दूँ, नहीं दिया तो भी चल जाता है, पर थोड़ा जब मेकअप करती है और होते तो लिप को थोड़ा वो स्ट्रोक दे ही देते, तो उससे वो बॉर्डर पता चलते और अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ा के और अच्छा काम होगा, अच्छा दिखेगा, कलर फीका फीका लग रहा था, थोड़ा सा पिंक टोन उसको ऐड कर दिया है। इसमें मंगलसूत्र भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके मैंने मंगलसूत्र उसको ऐड कर दिया है, गूगल से डाउनलोड करके मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ में उसको एक रेडीमेड बैकग्राउंड था तो मैंने डाल दिया है, एक न्यू लेयर लेके उसका ब्लेंडिंग मोड ल्यूमिनोसिटी करके उसके पीछे हम डार्क कलर मार देंगे तो उसका शैडो क्रिएट हो जाएगा और थोड़ी डेप्थ मिलेगी। और सेम वैसे हमें आंखों में ग्लो का देना है तो उसके लिए ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके लो ओपेसिटी रख के उसका प्रेशर ऑन करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बीच के पार्ट में थोड़ा डार्क कर रहा हूँ और उसके एंड पार्ट है खुरदुरे थे इसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट निकाल के अलग आँख में भी मैंने उसको लगा दिया है, और उस दोनों को मर्ज करके थोड़ा कलर का वेरिएशन कर दिया है। ओके एक न्यू लेयर क्रिएट करके स्काई ब्लू कलर लेके थ्री डॉट वाले ब्रश से स्मजिंग के थ्रू मैं उसको इधर उधर स्मज कर रहा हूँ, पर मैंने अल्ट प्रेस किया है वो छोड़ा नहीं है, तो स्मज टूल इस्तेमाल करके अल्ट प्रेस करके मैं थ्री डॉट वाले ब्रश से हेयर क्रिएट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ हाईलाइट होती है सिर्फ वही के बाल में ड्रॉ करूँगा, ताकि ऐसा लगे दूर से देखने के बाद कि हेयर थोड़े ग्लो कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है सिर्फ वही के बाल में ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि इसमें अलग अलग मेथड है, अभी ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं अगले वाले वर्जन में उसको डायरेक्ट ब्रश से स्ट्रोक मारूंगा ताकि अच्छे हेयर दिखे। अभी क्या है यहाँ पे सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आइडिया लगे कि कहाँ कहाँ पे हेयर है और कहाँ पे लाइट दिखाने की कोशिश की है, तो बाद में उसमें हम स्ट्रोक मार देंगे, या ऐसे ही किया तो भी चलेगा। ध्यान रखना है कि अल्ट प्रेस करके रखना है तभी वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, मैं जो ऊपर वाले माथे के हेयर है वो ज्यादा ये करने की कोशिश की है, ग्लू करने की कोशिश की है, और बाजू एकदम ब्लैक कलर फ्लैट ना लगे इसलिए वही वहां पे भी थोड़े बहुत हेयर हाईलाइट हम डाल देंगे। सभी को मैंने मर्ज करके एक न्यू लेयर पे रखा है, उसका फोल्डर बनाएंगे
और इसको भी फोल्डर बनाएंगे ताकि ज़्यादा घिचमिच ना लगे। और सॉफ्ट ब्रश से स्ट्रेंथ कम करके जो हेयर के, सिर्फ हेयर के जो एजेस हैं वो अगर हम थोड़ा स्मूथ करते हैं तो थोड़ा मैच होगा, नहीं तो क्या लगेगा, कैंची से कट किया हुआ लगेगा। ओके, अभी मैंने लेटेस्ट वाले इस पे फोटो लिया है, वो डायरेक्ट ब्रश से मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ, जहाँ जहाँ लाइट होती है ना सिर्फ वहाँ पे मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ। देख सकते कि वो पहले कैसे ये किया था, उसी पे हम स्ट्रोक मारेंगे तो वो थोड़ा हेयर का फील आ जाता है। थ्री डॉट वाले से भी अच्छा होता है, वो ज़्यादा पेंटिंग लुक दिखाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम नेचुरल करने की कोशिश करते हैं तो बड़े बड़े स्ट्रोक होने चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्रश से, और बाहर निकले हुए हेयर भी दिखाएंगे तो थोड़ा वो रियलिस्टिक वाला फील आ जाएगा और अच्छा दिखेगा। ध्यान रखना है कि ब्रश का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, मैंने कई फोटो में जो बड़ा रखा था साइज तो थोड़ा गलत दिख रहा था, पर ब्रश छोटा लेके डायरेक्टर स्ट्रोक मार देने हैं हेयर, आईब्रो के हो, हेयर के, और थोड़ा ग्लॉसी दिखाने के लिए हम जहाँ पे हाईलाइट है फिर से वहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए, और कहीं 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 पे स्मजिंग का वो रह जाता है तो एकदम स्ट्रेंथ कम करके वहाँ पे घुमाएंगे तो उधर का नॉइज़ निकल जाएगा और फोटो स्मूथ दिखेगा, नहीं तो वो नॉइज़ दिखेगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ओरिजिनल फोटो कैसा था और हमने कैसे बनाया है। सभी डिटेल को शार्प करने की कोशिश की है, आंखना का मुंह की, और साड़ी को कलरफुल कर दिया है, मंगलसूत्र कानों में वो ऐड कर दिया है, हेयर को जो हाईलाइट था वो हमने ऐड कर दिया है, बैकग्राउंड सूटेबल ऐड कर दिया है। अभी फोटो ठीक ठाक लग रहा है। अगर ये फोटो आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो राय है वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।